इसराइल और हमस में लड़ाई लगातार चल रही है, इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं। आज अपने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वहाँ सिचुएशन ये है कि अब गाजा स्ट्रिप के अंदर 2.3 मिलियन लोग फंसे हुए हैं। एक तरफ इंटरनेट और कम्युनिकेशन के सारे संसाधन नॉक आउट कर दिए गए हैं इसराइली गवर्नमेंट के द्वारा। जो वहां की आर्मी है उसने जो कहा है कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाएगी, एक्सपेंड करेगी, फाइटर जेट से बैकअप मिल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो हो रहा है आज गाजा के अंदर, ये मानवता के मतलब इंसानियत के खिलाफ। आज हम कह रहे हैं कि जो भी झगड़े हैं उसका एक ही राजनीतिक सॉल्यूशन है, वो है ये टू स्टेट्स, ये जो मैंडेट है यूनाइटेड नेशंस का, उसको लागू करवाने के लिए कदम उठाइए आप। अब इस तरीके से लाखों की तादाद में आप जो है निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, और वहां पर जब यूनाइटेड नेशंस ने 120 देश दुनिया में मिलकर ये कहा कि वहां के लिए इंसानियत के तौर पर इसको, इस हमले को रोकिएगा इंसानियत के तौर पर, ताकि वहां पे लोगों को जो ह्यूमैनिटेरियन एड और मदद मिल सके। अब वो बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ये हम समझते हैं कि गलत हो रहा है। इम्पोर्टेंट बैठक भी थी इस मामले का, प्रोटेस्ट भी है कल एकेजी भवन पे, उसका हमने यही कहा कि आज जिस तरीके से तटस्थ रही है भारत सरकार इस वोट में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ये हमारे परंपरागत जो हमारे देश की विदेश नीति रही है फिलिस्तीनियों के कॉज के साथ, उसका एकदम विपरीत है। अब इसलिए हमने कहा कि ये बड़ा शॉकिंग है, ये इस तरीके का रुझान क्यों लिया समझ में नहीं आता। और जहां पर वहां पे भाषण में भारत के प्रतिनिधि वहां पर भाषण के अंदर कहते हैं कि आज जो है इसका सॉल्यूशन वही टू स्टेट सॉल्यूशन होनी चाहिए इसराइल और पैलेस्टीन की, जो यूनाइटेड नेशन मैंडेट की मैंडेट है वही हम भी कह रहे हैं, वही होना चाहिए। और फौरन इस युद्ध को या इस हमले को बंद करिए आप।